हसे मेरे वेख बुला तो गिर दे थोड़ी थलो होके जुनी। गाइज ये मैंने मीशो से ऑर्डर मंगवाया था, ये देखो ना फ्रॉक मंगवाई थी वो मैं आपको दिखा दूंगी। दो फ्रॉक मंगवाई थी वाइट कलर में, मैंने एक अपने लिए और एक सिया के लिए। तो अभी ऑर्डर आ गया, तो गाइज मैं इसको ओपन करती हूँ आपके सामने, आपको भी दिखाती हूँ कैसी है। ओह माय गॉड ये क्या है? ओ भाई साहब, गाइज ये देखो 660 की, 660 रुपए की ये इन्होंने स्कैम किया। गाइस कितने गंदे हैं मीशो वाले। ओ भाई ये देखो ये क्या है, ये तो ऐसे लग रहा है उन्होंने कचरा डाल दिया भाई। ये देखो आपको फोटो दिखा दूंगी, और ये देखो आया क्या है, मतलब देखो किस अंधे ने पैक किया। उनको जब ये पैक कर रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने 660 रुपए का मुझे ये दिया, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है ये देखो। और साथ में इसके मैंने रिव्यू भी देखे थे गाइस, फिर उसके बाद भी देखो ये शर्ट आई है, और ये मतलब ये क्या यूज करेगा कोई। तो गाइस मैं आपको यही बोलूंगी कि मीशो से कभी कुछ ऑर्डर मत करना, क्योंकि ये देख रहे हो हाल। सो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आलिया भट्ट का लुक क्रिएट करने वाली हूँ, यानी बाल कैसे। तो गाइस इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि भाई देख सकते हो आप कितना पसीना आया, और मैंने फैन भी नहीं लगाया है क्योंकि अगर मैं फैन लगाऊंगी तो फिर आवाज नहीं आएगी आपको। तो अभी हम फटाफट से मेकअप करते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं लुक। गाइस सेम साड़ी नहीं है, मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ पहले। भाई मैं तो यही पहन के करने वाली हूँ क्योंकि मुझे यही मिली है, देखो कितनी सुंदर साड़ी है। ये मैंने पहले खोली थी फिर मैंने इसको फोल्ड नहीं किया, तो इसलिए ऐसी दिख रही है आपको, ये देखो। तो गाइस ये देख सकते हो आप इसका कितना सुंदर है ये गाइस, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगे। और इसका ना गोल्ड कलर का होना चाहिए था ब्लाउज, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, तो मैं व्हाइट पहनूंगी। व्हाइट है मेरे पास, व्हाइट मैं देखती हूँ क्या आज अच्छा लगता है इसके ऊपर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले हम कर देते हैं अभी मेकअप करते हैं, आपको मैं बता देती हूँ। हाँ क्या बता रही थी मैं, हाँ ये रही साड़ी, और मैं ब्लाउज दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप फटाफट से। तो गाइज मैंने आपको आज दिखाया था ना, आज मैंने अपने घर पर वाईफाई लगाया, तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ये देख लो ये वाला है, अगर आप ड्राई स्किन है अगर आपकी, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं ये यूज करती हूँ। तो गाइस हम इतनी मात्रा में ले लेंगे। मेकअप भी सब कुछ मिक्स हो रहा है, देख लो कितना पसीना आ रहा है, और मैं क्या मेकअप करूंगी लेकिन करना पड़ेगा जैसा तैसा, क्योंकि आपको दिखाना भी तो है ना लुक क्रिएट करके। अभी हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करूं भूल गया। तो गाइस ये देखो, पहले तो मेरे पास ये थे ये वाले, मैंने सोचा था ये पहनूंगी, लेकिन एक तो ये मेरे से टूट गया, ये देखो अब तो मैंने पूरा ही तोड़ दिया, ये टूट गया। वैसे ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ये एक तो मिल नहीं रहा मुझे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ये, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं ऑप्शन है ये देखो अच्छे हैं, मैं तो यही पहनूंगी, पता नहीं इस पे सूट करेंगे नहीं करेंगे, बट हम तो यही पहनेंगे क्योंकि हमारे पास है ही यही लगाया। तो अभी हम लगा रहे हैं सनस्क्रीन। मैं आपको बताती हूँ सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका। वीडियो बनाएंगे तो हमारा थोबड़ा खराब हो जाएगा, मेरे बाल खुल गए यार, अभी मैं बाल कैसे बांधू, मेरे हाथ में चिपचिप हो गए, देख लो कितना मुश्किल होता है वीडियो बना। तो अभी हम लगाएंगे ये वाली क्रीम, ये देखो बीबी क्रीम है SPF 27, देखो ये वाली मुझे सबसे बेस्ट लगती है। तो तो इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे, वो थोड़ी सी जगह रह गई, इतनी गली में लगा दी मैंने, ओ माय गॉड खत्म हो जाएगी।
गाइस अभी ना हम इसमें कुछ एक और चीज करेंगे, ये वाइट वाइट लगा ना, अभी हमने रेड रेड लगाना है, डॉट डॉट। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे, सो ब्लेंडर हमारे पास है नहीं तो इसको हम ऐसे करेंगे। वाह, इतना अच्छा हाथ से ब्लेंड हो सकता है तो हमें ब्लेंडर की क्या जरूरत है भाई, बताइए हमें, कोई हमें बताइए तो सही। तो गाइस इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा से ब्लेंड हुआ है। ओह पसीना बहुत आ रहा है, तो आप देख सकते हो अभी मैंने ब्लेंड कर दिया। तो अभी है थोड़ा सा और लगा लेते हैं ब्लश, वैसे भी पसीने में बहना ही है, तो लगा लेते हैं, मरा गया जा रहा है। वीडियो के चक्कर में मैं, ओह शिट इतना लग गया, वीडियो के चक्कर में मैं इधर कर रही हूँ मेकअप, अदरवाइज मैं फैन के आगे कर लेती यार, ये इतनी समस्या हो रही है, उफ क्या करूँ मैं। आज पे क्या करेंगे, क्या मुझे इस कलर की आईज करनी चाहिए यार, करती हूँ, मेरा मन तो होता है पर मुझे आता नहीं है, ट्राई करने में क्या जाता, करना चाहिए ना ट्राई, जो चीज नहीं आती हो तो उसको ट्राई करो, शायद तुमसे हो जाए। तो माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है। अभी मुझे इसके ऊपर कौन सा कलर लगाना चाहिए, ये मैंने ग्रीन किया ना तो थोड़ा शाइन वाला होता ना यार, कितना अच्छा लगता फिर, जो कि मेरे पास है नहीं आता, फिर वो खराब ही होता है। इस पर सारा मेकअप कर दिया, बारी है लिपस्टिक की, तो अभी मुझे लिपस्टिक लगानी है। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। तो अभी मैं फटाफट से साड़ी पहन लेती हूँ, पहले बाल बनाती हूँ फिर साड़ी पहनती। तो मैंने बाल स्ट्रेट किए, देख सकते हो आप, एक साइड से हो गए और एक साइड से नहीं हो गए। बाल में कलर कराया था, ऊपर ब्लैक रह गया और नीचे देखो कैसे हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक साइड से हो गए तो इस साइड से नहीं हुए। तो अभी ये देखो बाल टूट टूट के कहां लटक रहे। तो अभी मैंने बाल बना दिए, मेकअप भी कर दिया, यार मेकअप खराब हो जाएगा, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और पता नहीं कौन से जन्म में मैं अलग शेड की लिपस्टिक लूंगी। तो गाइस अभी मैंने बाल बना दिए हैं और मेकअप भी कर दिया, तो अभी मैं फटाफट से आपको मिलती हूँ। हसे मेरे वेख बुला तो गिर दे थोड़ी थलो होके जुनिया दी सिर ते, हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दू, जुनी नाल गिले सारे साफ कर दू, के ना पसंद आने पावा कुड़िया मैं घंटे विच घंटा बारा जड़िया बिना गलों सूट जिस वाले सुने बालों भी वल जिप वाले सुने, तेरे नाल मरना जे आना लगदे मरना जी आना लगते हैं।